कहते हैं ना, औरतें औरत होने का भरपूर फायदा उठाती है। मैं क्या कुछ कहना चाह रही हूँ, बस इतना ही शॉर्ट में मैंने बोला है। और औरत होने का भरपूर फायदा उठाती है। दुखियारी वो जवाने को दिखती है, लेकिन असल रूप में आप कहो ना तो अंदर से चंडालिका होती है। आपको हंसी आ रही होगी ना, मुझे भी आ रही है। और मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो नमस्कार YouTube फैमिली, मैं रीति महाराज स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छा अच्छा होना भी चाहिए भाई। तो आप लोगों को फाइनली, जैसा कि अनीता जी ने कल वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए हैं। देखो, हम लोगों का काम है रिएक्शन देना। हम यहाँ पर निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इनसे कोई ब्लड का रिलेशन है या फिर हम किसी के पक्ष में बोले नहीं। हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने देखा कि बसंती ने क्या कुछ किया है, तो बसंती के लिए बोल रहे थे। और कल की वीडियो जो आई है, तो उस हिसाब से मैं अपना ये रिएक्शन वीडियो जो है अनीता जी के लिए बना रही हूँ। अनीता जी के लिए नहीं, मतलब यहाँ पर बातें दोनों देवरानी जेठानी के लिए है मेरी। तो जैसा कि कल अनीता जी का वीडियो आता है, और अनीता जी कहती हैं कि झगड़े की असली वजह क्या थी, उन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि लारा जी जो है वो उसको एक बार डांटे इसलिए क्योंकि गोल्डी जो है वो छुप के वीडियो बना रही थी, जबकि उनके घर में कुछ ऐसे ही पर्सनल बातें हो रही थी। और सही बात है भाई, पर्सनल बातें जब हो तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर लाने का प्रयास किया जाए या फिर उसको लाकर रख ही दिया जाए। जो अगर संस्कारी फैमिली से होते हैं ना, जो नहीं चाहते कि घर की चीज़ें बाहर आए, वो हमेशा इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहते हैं और बचते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी घर में ही आस्तीन का सांप होता है, जो घर की बातों को सामने वालों को डेमोलाइज करने के लिए घर की बातों को बाहर लाता है और अपनी बातों को छुपाता है। मतलब कि अनीता जी की बातों को बाहर लाने के प्रयास किया गया वीडियो के माध्यम से, जिसको रोकने का प्रयास किया लाला जी ने, और हो गया बात का बतंगड़। तो यहाँ पर कल अनीता जी ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के को देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए हैं, तो इस हिसाब से मैं वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है आपको मेरे विचार पसंद आए, हो सकता है कि ना पसंद आए, लेकिन मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद आपके जो भी विचार होंगे वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो कल मैंने जब वीडियो बनाया था, तो एक ने मुझे कमेंट किया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा नाम उनका, लेकिन एक ने कमेंट किया कि बड़ों की सेवा करना कि क्या अधर्मी लोगों का काम है, बसंती को आप ऐसा क्यों बोल रही हो, दादाजी को अगर वो सेवा दादाजी की नहीं करेगी, खाना नहीं देगी, तो कौन देगा, क्योंकि अनीता जी की फैमिली सिर्फ घूमने में लगी रहती है। तो ठीक है, मैं आपकी बातों को मानती हूँ, बड़ों की सेवा करना, इससे बड़ा धर्म और कुछ हो भी नहीं सकता। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने घर में अपने माता पिता के साथ अत्याचार करते हैं, उसका फल हमें वहाँ नहीं मिलेगा। आप मंदिर की कितनी भी घंटियाँ बजा लो और घर में बूढ़े माँ बाप पर जो है वो अत्याचार करो, तो उस घंटी बजाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो कल अनीता जी ने, आप लोगों ने जो कमेंट किया, उस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो सेवा करती है, लेकिन सेवा के बदले बेटे इनके दोनों हैं, यानी कि दादाजी के दोनों बेटे हैं। जब सारी चीज़ें सामने थी, और कोई इंसान जब घर का बड़ा बुजुर्ग है और घर की इज्जत को बचाना चाहेगा ना, तो वो सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज़ें लाने से पहले बात रोकेगा सामने वाले को, क्योंकि दादाजी तो वीडियो बनाते नहीं हैं, अनीता जी बनाती हैं और इधर बसंती बनाती है। तो यहाँ पर तो गलती थी गोल्डी की, जो बसंती की बेटी है, और बसंती के कहने पर वो वीडियो बना रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं बसंती अपनी बेटी को भी बिगाड़ रही है। वीडियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन जासूसी करवाना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है, जो कि अपने बच्चों के साथ वो करवा रही थी। वीडियो बनाना था तो वो सामने से आकर भी वीडियो बना सकती थी, इस तरह से दरवाजे के पीछे छुपकर वीडियो बनाने का मकसद था तो था क्या? वो ये जानना चाहती थी कि दादाजी, लाला जी और अनीता जी में क्या बातें हो रही है, इसलिए उसने अपनी बच्ची को आगे कर दिया। और ये सारी फसाद की झगड़े की जड़ ये वीडियो बनी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि चलिए, दोनों ने एफआईआर का खेल खेला, दोनों का एफआईआर हुआ, एक सच है एक झूठ है, हम लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बातें अब कोर्ट में चली गई हैं, बातें कोर्ट में चली गई। और जैसा कि अनीता जी ने कहा कि वकील ने कहा है कि पैसे भी लगेंगे, समय भी लगेगा, और
कितना समय लगेगा ये हम नहीं जान सकते, और क्या जो फैसला आएगा ये भी कोई एडवोकेट आपको दावा करके नहीं बता सकता, क्योंकि साक्ष्य एविडेंस के आधार पर कोर्ट में कार्रवाई होती है। और यहाँ पर जो है वो बसंती का एफआईआर कहीं ना कहीं अनीता जी के एफआईआर से बहुत भारी है, क्योंकि बसंती ने जो इल्जाम अपराध आरोप सॉरी आरोप लगाया है ना, वो एफआईआर जो है वो अनीता जी के एफआईआर से कहीं बढ़ चढ़ के लिखवाया गया है। तो चलिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि इनके घर में हुआ कि एफआईआर अनीता जी ने पहले किया, फिर बाद में एफआईआर बसंती जी ने किया, फिर नंदे आती हैं और बीच में जो है वो बचाव में आती हैं कि हाँ आप एफआईआर वापस ले लो, तो यहाँ पर बसंती जो है वो तैयार होती है कि हाँ मैं एफआईआर वापस ले लूँगी अगर अनीता मतलब उनके जेठ जेठानी जो है वो एफआईआर वापस लेने के लिए तैयार होते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अनीता जी के परिवार ने और लाला जी ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि तुमको बदले में माफ़ी भी मांगनी होगी। तो अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि बसंती तो पहले बात माफ़ी मांगने से इनकार कर रही है। माफ़ी मांगने का मतलब ये होगा कि बसंती ने जानबूझकर या फिर बसंती झूठी निकलेगी। माफ़ी मांगने के अनुसार लोग कहेंगे कि बसंती ने ऐसा नहीं मतलब लाला जी ने कुछ भी नहीं किया था और बसंती माफ़ी मांग रही है तो बसंती झूठी है। इस कारण मुझे लगता है कि बसंती माफ़ी मांगने से इनकार कर रही है। अब दूसरी बात मैं अनीता जी से भी थोड़ा कहना चाहूँगी। देखो हम निष्पक्ष रूप से अपनी बातों को रखते हैं, हम चाहते हैं कि सब परिवार एकजुट होकर मिलजुल कर इन सब चीज़ों का जो है एक रास्ता निकाले, सटीक रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों फैमिली इन सब चीज़ों कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचे। क्योंकि देखिए कोर्ट कचहरी और डॉक्टर के अगर आप चक्कर लगाओगे ना तो आपका मानसिक फाइनेंशियल और यहाँ तक कि समय सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका अता पता किसी को कुछ भी नहीं होता। अगर मैं गलत होंगी तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। तो इन्होंने कहा कि माफ़ी तो मांगना होगा, माफ़ी अगर नहीं मांगती तो हम एफआईआर वापस नहीं लेंगे। अब यहाँ ये सिचुएशन आ गई है कि अनीता जी का जो एफआईआर था वो नॉर्मल पड़ गया यानी कि कमज़ोर पड़ गया, और जो बसंती ने एफआईआर कराया था वो एफआईआर इनके एफआईआर के एवज में भारी पड़ गया है, और मामला अब जाएगा तो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी अनीता जी को कि मैंने कल वीडियो में आपको देखा आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, और परेशानी वाली बात है भी क्योंकि जब कोर्ट कचहरी का आदमी चक्कर लगाता है ना तो उसको समझ में आता है, क्योंकि आप लोगों का जो भी वीडियो है आप लोगों का वीडियो जो बनता है उसमें काफ़ी टाइम लगता होगा, एडिटिंग वगैरह किस तरह से कुकिंग की वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से दूर होती चली जाओगी ना, आप ढंग से काम कर पाओगी सोशल मीडिया पर ना आप कोर्ट का ही काम जो है वो ढंग से कर पाओगी। तो इसमें आपके पैसे आपके आपका शरीर आपका कहते हैं ना धन मन तन और पैसा समय सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हम भी यही चाहेंगे कि देखिए आप जो ये कह रही हो अनीता जी कि माफ़ी मांग लो, मैं जानती हूँ कि जो बसंती ने अपराध किया है वो माफ़ी के माफ़ भी अगर आप वो माफ़ी भी मांग लेती है ना तो भी उसका अपराध कम नहीं हो जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचना, मेरी बातों को थोड़ा गौर से सोचिएगा कि ज़बरदस्ती की माफ़ी अगर मंगवा भी लेते हो, जो इंसान दिल से आपसे माफ़ी ना मांगे तो इसका कोई मतलब इसका कोई आधार बनता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप पूरे परिवार के साथ अभी जो मैं देख रही हूँ कि परेशान नज़र आ रही हूँ, तो ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब उसको अंदर से गिल्टी फील ही नहीं हो रहा है, अंदर से उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि हाँ मैंने गलती किया है, और बदले में मुँह से बोल भी देती है, मुँह से तो वो बोलने के लिए ऐसे भी तैयार नहीं है, तो अगर वो बोल भी देती है हाँ मुझे माफ़ कर दो तो आपको लगता है ये आपको मतलब अंतरात्मा आपकी कहती है कि हाँ माफ़ कर देंगे। अगर उस वक्त मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अनीता जी अगर उस वक्त नहीं होती तो शायद आज लाला जी इस दुनिया में नहीं होते। और दूसरी बात अनीता जी ने कहा कि पहली बार और लास्ट बार बसंती को लाला जी ने डांटा, तो हम लोगों ने भी देखा है जो वीडियो में हम देखते हैं उसी पर हम अपना रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। हम लोगों ने भी देखा कि लाला जी जो है वो कभी किसी वीडियो में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, जो भी इनकी कुकिंग की वीडियो आती है या फिर जो भी वीडियो आती है उसमें अधिकतर ये चुप चुप से रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा अभी कुछ दिन के जो इनको लड़ाई झगड़े की वीडियो जा रही हैं इसमें लाला जी बहुत बोल रहे हैं। मतलब देखो मैं जो हूँ ना जो देखती हूँ उस पर ही अपने विचार को रखती हूँ, तो मेरा मन ये नहीं कहता कि लाला जी ने पहली बार डांटा होगा या फिर पहली बार डांटने का हिम्मत कैसे हो गया। जो इंसान एकदम नहीं बोलता
जो इंसान एकदम से नहीं बोलता वो अचानक से कैसे डांटेगा। चलो डांटा भी, मैं यही कहती हूँ कि डांटा भी और जो कुछ भी है ये आपके पारिवारिक मैटर है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग कोर्ट कचहरी में जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि जैसा आप कहते हो कि पंचायत बुलाना चाहिए और बुलाकर जो है वो पहले हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये अचानक से 2-4-10 लोगों को बुला लिया और हम लोगों को दादाजी जो है वो फ़ोन कॉल पे बुला रहे थे, तो हम लोगों ने पहले पुलिस प्रशासन को बुलाया फिर हम नीचे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर डर था। और इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ कि एक बार इस तरह का हादसा हो गया और फिर से फ़ोन कॉल आ रहा है, नीचे इतनी संख्या इतनी तादाद में लोग बैठे हैं तो डर वाली बात तो है। तो मैं चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आप फिर से कर सकते हो, घर की चीज़ें घर में ख़त्म हो जाए। और हम जानते हैं जो कड़वाहट एक बार रिश्ते में आ जाती है ना, वो कड़वाहट जल्दी हटती नहीं। जैसा कि आप लोगों का ही कहना है कि हम लोगों की बातचीत बहुत दिनों से बंद थी, तो बसंती ने तो बहुत बड़ा, यहाँ आप लोग समझ ही गए हो कि शतरंज का जाल फेंका है जिसमें आप मुहरा बन गए और फंस भी गए हो। तो इस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है? वैसे भी आपकी जो बहू है इस वक्त अकेली है, आपका बेटा यहाँ है, तो मैं यही कहूँगी कि सब कुछ देखते हुए अनीता जी, मैं आपसे भी थोड़ा कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ों को देखते हुए आप कोशिश करिए ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में जाने से पहले। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये अपराध है और आप अगर उस वक्त नहीं होती, यानी कि अनीता जी नहीं होती, तो लाला जी इस दुनिया में सचमुच में नहीं रहते, अगर बाई दबे वो कुएं में गिर जाते। क्योंकि जिस तरह से दीपक की मौत हुई है ना, हम लोगों ने भी देखा है कि उस कुएं में क्या कुछ था, क्या है, सब कुछ सामने है। और हम यही कहेंगे कि रिश्तों में जो कड़वाहट आई है वो कड़वाहट तो मिटेगी नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि इतनी दूरी बना लिया जाए ताकि आने वाले टाइम में ऐसा समय फिर से वापस ना आए। और कोर्ट जाने से अच्छा है घर में ही सारी चीज़ों को सुलझा लीजिए। और यहाँ पर मैं दादाजी से भी कहूँगी कि मुझे सचमुच ये समझ में नहीं आ रहा, चलो बसंती आपकी सेवा कर रही है, दिन रात आपकी सेवा कर रही है, खाना पीना सब कुछ दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है दादाजी कि आप एक बहू के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको मूक दर्शक बनकर देखते रहो। देखिए, मैं यहाँ पर पक्षपात किसी का नहीं कर रही हूँ, अगर बसंती सही होती तो हम आज उसके साथ भी खड़े होते। और यहाँ पर अनीता जी ने जो कल वीडियो बनाया है उसको लेकर मेरे मन में कुछ सवाल उठे, इसलिए मैं रख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अनीता जी के विपक्ष में वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर सारी गलती घर के गार्जियन यानी कि दादाजी की है, जब उन्होंने सब कुछ जाना, वो जान रहे थे कि कारण झगड़े की क्या है कि गोल्डी जो है वो छुप के वीडियो बना रही थी, और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। भाई, मात्र अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए आप कैसे पक्षपात कर सकते हो और एक बेटे और बहू और उसके पूरे परिवार के साथ अन्याय कर सकते हो? आपका पलड़ा बराबर होना चाहिए, चाहे आपका कोई सेवा करे, आपको खाना दे या फिर ना दे, क्योंकि आपके ही तन से दोनों बेटों ने जन्म लिया है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि अनीता जी आपकी सेवा करने से पीछे हटी। कुछ ने ये भी कमेंट किया कि ये लोग सिर्फ घूमते रहते हैं, तो भाई किस तरह से ये लोग जो है वो दादी जी की जो जिंदा थी, इनकी सासू माँ, उस वक्त की भी वीडियो हम लोगों ने देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी है। और जब दो बेटे हैं और जब दोनों बेटों को बराबर करना होगा ना, तो आप लाख घूमिए फिरिए या फिर गांव पर ही रहिए, करना तो आपको पड़ेगा ही। तो जब ये ही नहीं रहना चाहते तो इनकी सेवा अनीता जी करेंगी तो करेंगी कैसे? तो कल की जो मैंने अनीता जी की वीडियो देखी है, तो मैं अनीता जी आपसे थोड़ा सा यही कहना चाहूँगी कि देखिए, केस आगे लेके जाने से, या फिर बसंती को भी कहूँगी कि केस आगे लेके जाने से आप हमसे बड़ी हैं, तो आप दोनों का पैसा भी जाएगा, कहते हैं ना धन जन सब कुछ चला जाएगा, और यहाँ तक कि वक्त जो कि आप लोगों का बहुत ही कीमती है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल वीडियो बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, कुकिंग चैनल है, तो उस ओर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। जब आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, जब आपको कोर्ट जाना होगा, किस तरह से सब कुछ झेलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और जो सोशल मीडिया से आपके 2-4 पैसे अर्न होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका भी गति जो है वो धीमा हो जाएगा। तो हम यही अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे थे कि इन सब चीज़ों को, आप सारी चीज़ों को जो है वो आपस में बैठकर
खत्म करने का प्रयास कीजिए। और यही कुछ करने आई थी आपकी ननदे भी, लेकिन बसंती ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगी, FIR वापस लूंगी। और फिलहाल अनीता जी का FIR जो है बसंती के FIR के एवज में जो है वो काफी धीमा हो गया है। मारपीट का नॉर्मल सा एक FIR था, क्योंकि इन्होंने जो था वो सच रखा था। और इन्होंने FIR में ये भी लिखाया था कि बहुत सारे लोगों का नाम ऐसा भी दिया था जो उस वक्त उस घटना के सामने मौजूद नहीं भी थे। लेकिन इन्होंने, अनीता जी ने कल की वीडियो में मैंने देखा कि इन्होंने बताया है कि समय आने पर कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि इनके हिसाब से ये सारा जो किया गया है मारपीट, ये षड्यंत्र के तहत किया गया है। पहले से आपराधिक षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे, बसंती और उनका भाई और भी जो कुछ मतलब जो लोग थे इन्वॉल्व, जैसा कि अनीता जी के FIR में दिया गया है, तो सारी चीज़ें ये सामने लाएंगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों में, इन झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि आप दोनों आपस में सुलह समझौता कर लें और अपना पैसा, अपना शरीर, मन और सबसे कीमती वक्त उसको बचा लें। मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ भी होने वाला नहीं। और कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी और डॉक्टर के जो चक्कर लगा लेगा ना, तो कहते हैं कि घर के खपड़े से लेकर चम्मच छुरी सब कुछ बिक जाता है, फिर भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब एक पेशेंट को हम कोई बीमारी हो जाती है ना, हम भले ही कितना जान ले कि एकदम लास्ट स्थिति है, लास्ट एकदम स्टेज पे वो पेशेंट जा चुका है, फिर भी हम उसको बचाने के लिए सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ दांव में लगाते हैं। तो वही चीज़ है कोर्ट कचहरी भी। आप, मैं जानती हूँ कि अनीता जी यहाँ सच के साथ खड़ी हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हम FIR वापस ले, जैसा कि उन्होंने एक ये रखा है कि सामने वाला इंसान जो है वो माफ़ी मांगे तब हम FIR वापस लेंगे। तो अनीता जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जो माफ़ी दिल से ना मांगी गई हो, उस माफ़ी का आप करोगे क्या? जब इसको अंदर से गिल्ट फील ही नहीं हो रहा है, अंदर से इसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि हाँ, मैंने जो अपने जेठ और अपनी जो जेठानी के साथ किया है वो गलत है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जब इसको अंदर से ये महसूस ही नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती की माफ़ी मंगवा कर आप माफ़ी लेकर भी करोगी तो करोगी क्या? तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों को ये नहीं कहेंगे कि आप लोग लड़िए झगड़िए, हाँ आप लोग अब इतना दूरी बना लीजिए कि आने वाले टाइम में ऐसी आपराधिक घटनाएँ आप लोगों के साथ ना हो। और वैसे भी हम देख रहे हैं बसंती जी की फैमिली क्या है और अनीता जी की फैमिली क्या है। अगर बसंती जी ये सारा षड्यंत्र ना रचती, अपनी बेटी को रिकॉर्डिंग करने के लिए ना बोलती, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे जो झगड़े के फसाद जो हुए हैं ना, जो झगड़ा का मेन कारण, मेन मुद्दा बना है, झगड़े नहीं होते। तो इसमें गलती है, मैं जानती हूँ बसंती की गलती। और बसंती, अगर तुमको लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वैसे भी वो तुम्हारे जेठ जेठानी है, बड़े हैं तुमसे, माफ़ी मांगने से तुम कोई छोटी नहीं हो जाओगी, वैसे भी तुम छोटी ही रहोगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, सबके घर में कुछ ना कुछ अनबन होता है, ऐसा नहीं है, सबके घर में ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन जो अगर रिश्तों को बचाना चाहता है ना, चलो रिश्तों को यहाँ आप नहीं भी बचाना चाहते हो, मैं जानती हूँ कि दोनों का परिवार एकदम अलग अलग है, बहुत फर्क है, लेकिन अपने आप को भी अगर आप लोग बचाना चाहते हो, अपने आप को सुख शांति देना चाहते हो, चाहे पैसों से दो चाहे दिमाग से दो, तो मैं चाहूँगी कि दोनों पक्ष एक साथ बैठकर सब कुछ क्लियर कर लें और ख़त्म कर लें। कोर्ट कचहरी जाने से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला, बस वकील जो है वो आपको डेट पर बुलाएगा, मोटे रकम वसूल करेगा, लेकिन न्याय होगा या नहीं होगा ये तो वकील भी आपको नहीं बता सकता कि हाँ आप ही के पक्ष में जो है वो जजमेंट होगा, ये तो जज साहब करेंगे और एविडेंस के आधार पर करेंगे। तो यहाँ अनीता जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उनको ये लग रहा है कि उनका जो FIR है वो बसंती के FIR से धीमा पड़ गया है या फिर बहुत छोटा है, हम जानते हैं कि कोर्ट में बसंती को भी प्रूफ करना होगा कि क्या सचमुच, कुछ तो एविडेंस देने होंगे, कुछ तो गवाह देने होंगे, तब जाकर जज साहब भी फैसला सुनाएंगे। लेकिन इतना लंबा बातों को खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप दोनों समझदार हैं, बसंती का तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब अपने विधवा होने का ये इसने पूरा जो है कहते हैं भरपूर मात्रा में लाभ उठाया है, फ़ायदा उठाया है। मैं समझती हूँ उन सब चीज़ों को, मैंने जो बसंती को देखा है, जिस तरह से मैं देख रही कि मुझे भी सचमुच ये समझ नहीं आया, मैंने पिछली वीडियो में भी बोली है
कि एक औरत के साथ इस तरह का षड्यंत्र होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और दूसरे दिन से वो नॉर्मल हो जाए, तो झूठ तो यहीं पर पकड़ में आ गया। और अनीता जी ने दो दिन पहले कम्युनिटी लिखी थी कि अभी हम लोग काफ़ी परेशान हैं, और सचमुच परेशानी कल के वीडियो में उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, आईने की तरह साफ थी परेशानी। हम जानते हैं कि जो सिचुएशन है इंसान कितना घबरा जाता है, लेकिन जब सामने वाले को उसका एहसास ही नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि सब चीज़ों को भूल कर और एक सटीक रास्ता अपनाया जाए, घर की बातें घर में ही रह जाए और चीज़ों को सुलटा लिया जाए, ताकि दोनों का समय पैसा कुछ भी बर्बाद ना हो। तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कल मैंने अनीता जी का वीडियो देखा तो कुछ कुछ बातें मेरे दिमाग में आई और मैंने आज ये वीडियो बनाया। और हम यही कहेंगे अनीता जी और बसंती जी दोनों, और यहाँ पर दादाजी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि किस तरह के इंसान हो यार आप, सॉरी यार बोल रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी दादाजी, किस तरह के इंसान हो आप बड़े बुजुर्ग हो, कम से कम दोनों को बैठा कर आपस में सुलह समझौता कराने का प्रयास करिए, नहीं तो आपका घर जो है ना यूँ ही बिक जाएगा, आपकी इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा तो चली ही गई और बचेगा कुछ भी नहीं। आप जो खाने के लिए और सेवा कराने के लिए पक्षपात कर रहे हो, अगर आप अनीता जी का साथ दोगे ना तो ऊपर वाला भी आपको देखेगा। बस चलिए, मैं यही कहना चाह रही थी। और आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या सुझाव है आपके मन में अनीता जी और बसंती को लेकर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे जो विचार हैं, मैं चाह रही हूँ कि दोनों का मामला जल्दी आपसी समझौते से ही सलट जाए, कोर्ट कचहरी जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि मामला कितना लंबा जाएगा ये तो कोई भी नहीं जानता है। तो बस अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।